एकदम असली। देखो भाई रियल लेदर है और ये किसी जानवर की खाल है भाई, बकरी बकरी की मतलब। मैं ना सुबह यहाँ से भटका था, मैं उधर से आ रहा था और मैं यहाँ सीधा चला गया जबकि मुझे जाना था यहाँ नीचे। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. So guys, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा मैं आज भाई बहुत सारे काम निपटा रहा हूँ। लैपटॉप लेके आया, HSL ऑफिस गया था, बस कार्ड बनवाया, बस क्या ट्रांसपोर्ट कार्ड बनवाया बिकॉज फिनलैंड में तो ट्रेन वगैरह सब चलती हैं, तो वो सब हो गया है। और अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ पसीला, तो बाहर ऑफिस है अपना और लग रही थी भूख, तो अभी यहाँ पे हैमबर्गर पे आया हूँ। ये क्या नाम है इसका, हैस बर्गर करके है, तो बर्गर लेते हैं खाते हैं और फिर ऑफिस चलते हैं। देन उसके बाद एक रूम देखने जाना है, अपार्टमेंट, तो उसकी बात हो रखी है। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक हो गया, तो अभी बर्गर खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से भी, ऑफिस जाऊँगा पहले। तो मुझे 48 टोकन नंबर मिला है और अभी 48 प्रिपेयरिंग में आ रखा है। हो गया भाई रेडी, ओके थैंक यू। इसमें से निकलते हैं, यहाँ पे सॉस अगर डालनी हो तो। चलो भाई बर्गर खा के मन की तृप्ति हो गई थी, तेज भूख लग रही थी ना, मज़ा ही आ गया यार बर्गर खा के। अभी ऑफिस आ गया है, अभी ऑफिस करते हैं और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस जस्ट ऑफिस से भी बाहर आए थे और ये सेक्शन में जो मैं घुसा हूँ ना, ये देखो भालू, और ये असली का भालू है, मतलब चमड़ी इसकी असली है। और इधर देखो भाई, इन लोगों ने जो है पता नहीं कि शायद बकरी बकरी की असली है ये भाई, असली एकदम असली। देखो भाई रियल लेदर है और ये किसी जानवर की खाल है भाई, बकरी बकरी की मतलब। अरे भाई हद होगी यार, हद होती है किसी बात की। देखो सिंग विंग भी रखे हैं यहाँ पे असली, और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सब लीगल है यार। ये देखो ये रखे सींग, असली हिरन के सींग है भाई ये। ये भी देखो यहाँ पे भी है, ये पता नहीं किस जानवर की खाले है। तो अभी 8 मिनट थे ट्रेन आने में, तो सनावर भाई और मैं यहीं खड़े थे कि यहाँ पे थोड़ी गर्माई है तो वेट कर लेते हैं, नीचे तो वाइट ठंड लगेगी यहाँ से बाहर निकलते। इस जगह क्या नाम है, मॉल ऑफ ट्रिपला। मॉल ऑफ ट्रिपला, भाई देखो ट्रेन में पिल्ले सफर कर रहे हैं, सही है। तो अभी सुना और भाई तो उतर गए थे पवारा और हम चलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं स्टेशन का नाम क्या है, मोबाइल में देखूंगा। लोकेशन सेट की हुई है, कोपली पोपली करके कुछ है, तो बहुत दूर जाना है अभी यहाँ से मुझे। ये देखो सेलो मॉल साइड में ही है मेरे, ये देखो भाई कितना बड़ा ओपन ग्राउंड है। ये चाहिए, ऐसी जगह चाहिए घूमने फिरने के लिए मस्त। और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ भाई, अभी से एक भाई के अपार्टमेंट पे, बिकॉज आज फ्लैट देख ही नहीं पाए हैं बिकॉज मेरी केटी चल रही थी और मुझे फ्लैट देखने जाना था 5 बजे। तो जो बंदा मुझे दिखाने वाला था वो बंदा जो था वो फिनलैंड का ही था, तो वो 5 बजे मेरी वेट करता रहा लगभग 5:45 तक, लेकिन मैं फ्री नहीं हो पाया तो वो बंदा चला गया। उसने मुझको मैसेज कर दिया था कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम लास्ट 50 मिनट्स एंड मैं जा रहा हूँ अभी, तो अब पॉसिबल नहीं है दिखाना, तो वो चला गया था फिर, तो इस वजह से मैं देख ही नहीं पाया। तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ अभिषेक भाई के अपार्टमेंट में। तो अभिषेक भाई आज ऑफिस नहीं आए थे बिकॉज वो कल रात पेरिस से आए थे और थके हुए थे, तो आज उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर रखा था। तो अभी चलते हैं और जाके मिलेंगे अभिषेक भाई से भी। टाइम देखो 7:28 हो रखे हैं और कोई कह ही नहीं सकता बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह का टाइम हो, ऑफिस जा रहे हो, कौन कह देगा कि ये आने का टाइम है। ये है स्टेशन का नाम, पढ़ लो पता नहीं क्या है। ये फिर आ गया भाई जंगल वाला रास्ता, कल तो फिर भी विकास था साथ में, लेकिन आज तो मैं अकेला ही हूँ भाई, थोड़ा ख़तरनाक सा है रास्ता अकेले जाने के लिए, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्राइम पता है आप लोगों को 0% है भाई, यहाँ बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। तो लड़कियाँ वगैरह रात को 3-4-5 ऐसे घूमती रहती है रोड वोड पर, तो बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्राइम बिल्कुल 0% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कोई आपको रोक के भी सड़क पर लूट लेगा, ऐसा कोई केस हुआ नहीं है। मतलब काफ़ी सारे इंडियंस हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो बताते हैं सब लोग। और बाकी ऐसा तो हुआ है कि इंडियन ने इंडियन के साथ फ्रॉड करके भाग गए, ऐसा तो हुआ है, लेकिन किसी फिनिश बंदे ने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। मतलब ऐसा हुआ कि हाउस रेंट करते हुए स्टार्टिंग में पैसे ले लिए,
और उस बंदे का वो मतलब हाउस अपार्टमेंट है ही नहीं और वो गायब जिस बंदे को उसने पैसे दिए। तो ऐसे तो केसेस हुए हैं यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे ये रोड बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे रोड बनाते हैं ये बैरिकेड्स लगा रखे हैं, इधर रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है। अरे वो सामने कोई जॉगिंग करके आ रहा है, बढ़िया ट्रैक है वैसे जॉगिंग के लिए। यहाँ पे लोग बहुत फिटनेस फ्रीक हैं और पैट्स वगैरह घुमाने के लिए मतलब पूरे हर टाइम घूमते रहते हैं यहाँ पे। आपको 3 बजे कोई पैट घुमाता हुआ मिल जाएगा रात को, ऐसा सिस्टम है भाई। तो ध्यान बहुत रखते हैं अपना। मैं ना सुबह यहाँ से भटका था, मैं उधर से आ रहा था और मैं यहाँ सीधा चला गया, जबकि मुझे जाना था यहाँ नीचे इस गुफा में। तो मैं सी जोन में पहुँच गया सीधा, पीछे जाके उधर गया था पीछे, तो आगे पूरा का पूरा सी जोन है भाई। तो लास्ट लोग में आपने देखा होगा बुरी हालत हो गई थी भाई एक गलत रास्ते पे जाने से। ये देखो साइकिल, जॉगिंग, पेट को घुमाना, बस यही चलता है इधर। और वो भी है स्केट बोर्डिंग भी है, मतलब स्केट बोर्ड लेते हैं बच्चों से टहलाते फिरते हैं। एक वो है जो पैर, कोई मिल गया मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो उस पर पैर मार मार के चलते हैं ना, तो वो भी बहुत यूज़ करते हैं भाई यहाँ पे। तो अच्छी बात है, ये फिटनेस फ्रीक होना चाहिए सबको थोड़ा थोड़ा सा ना। तो हम पहुँच गए हैं भाई जहाँ पे हमें आना है, वो वाला घर है, मुझे इससे पहचान हो गई। ये सामने अच्छा सा है ना थोड़ा सा दिखने में, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के है जहाँ पे मेरे को जाना है। ये रहा, आज मैं बिल्कुल आराम से पहुँच गया बिना किसी हेल्प के। देखो यहीं आना था मेरे को और मैं पहुँच गया। तो भाई अभी आ तो गए थे थोड़ा बहुत, बस अपना ऑफिस का लैपटॉप सेटअप कर रहा था अभी। और इधर देखो खाने बनाने की तैयारी चल रही है, अभी से एक भाई खाना बना रहे हैं। तुमसे भाई हाय तो कर दो। अरे कर दो कोई बात नहीं। और इधर शिवम भाई, हेलो दोस्तों। ये आरपीए टीम में और भाई अपनी टीम में डीएनआई में ही है, तो मैं जो है भाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। मतलब मूव हो रहे हैं भाई निम्स में, मतलब मूव नहीं मतलब मतलब टीम की ही एक एप्लीकेशन है दूसरी, और मैं डीएनआई में आ गया, मतलब ऐसा कुछ हो रखा है, तो ये वाला सीन है। और आज बना रहे हैं अभिषेक भाई क्या राजमा चावल बनाए जा रहे हैं अभी। सब एक्सपर्ट है भाई यहाँ पे खाना बनाने में। टाइम देखो भाई 10 बज चुके हैं, इस टाइम खाना बन रहा है। और ये इधर लिविंग एरिया, और मैं यहाँ पे सोया था, तो यही है भाई बिस्तर, मेरे बैग वैग भी ऐसे पड़े हुए हैं यार। ये देखो भाई अभिषेक भाई पेरिस की गलियों में यो। बॉय शिवम भाई खड़े हैं अभी मोना लिसा वाले म्यूजियम में, मतलब बाहर उसके। तो ये वही है, अंदर गई नहीं ना? नहीं अंदर बुकिंग की पूरी काफी 15th अप्रैल तक सब बुक था। अच्छा, और काफी रिजर्वेशन, अगर हमारा पहले से रिजर्वेशन होता तो हम जा पाते। तो भीड़ की वजह से जा ही नहीं पाए। वैसे ये बोलते हैं कि मोनालिसा हंसती हुई दिखती है, अगर बंदा खुश है, अगर दुखी है तो दुखी, ऐसी ऐसा। हमारे गाइड ने बताया कि काफी सारी चीजें हैं कि किस तरफ देखोगे, और उसे काफी साल लगे थे बनाने में। अच्छा जी, लेकिन छोटी पेंटिंग है, उसने है? बताया कि इतनी वो तो कहते बहुत बड़ी है। नहीं नहीं, केवल इतनी छोटी पेंटिंग है। अच्छा, देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट टाइम। हाँ मतलब गाइड ने बता दिया काफी कुछ, बताया। चलो, इसका तो काफी देर से वेट कर रहा था मैं, आईफिल टावर करवाएगा, यानी खिंचाई फोटो। ये देखो भाई आईफिल टावर के सामने खड़े हैं। ऊपर नहीं गए थे ना? ऊपर नहीं गए। चलो सही है, लेकिन भाई देख तो लिया अपनी आंखों से पेरिस और आईफिल टावर में, और ज्यादा सुंदर लगता है। अच्छा, तो भाई अभी खाते हैं राजमा चावल, एडिटिंग चल रही है अभी मेरी। और मोस्टली ना यहाँ पे डिनर में चावल ही चलेंगे भाई, चावल दाल, राजमा चावल, छोले चावल, मतलब चावल बनाने इजी रहते हैं। रोटी तो शायद सैटरडे संडे को ही शायद बनेगी, शायद वो भी। तो अभी ये खाते हैं और फिर अपनी एडिटिंग कंप्लीट करके सो जाएंगे, और साथ ही साथ ये व्लॉग भी एंड कर देते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों का आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना तो सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोगों का आज का व्लॉग। तो आप लोगों से मुझे भी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।